हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज होम में। दोस्तों, दीपक टीनू गैंगस्टर को लेकर अब नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मानसा सीआईए के बर्खास्त प्रभारी प्रीतपाल सिंह और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर दीपक टीनू की दोस्ती पुलिस और गैंगस्टरों के गठजोड़ की कलाई खोल रही है। एक कुख्यात गैंगस्टर को प्रीतपाल ने अपने सरकारी आवास में मेहमान बनाकर रखा हुआ था। वह जब चाहे उसे अपने आवास पर ले जाता था। उसकी प्रेमिका भी यहीं आकर उससे मिलती थी। सीसीटीवी से इसका खुलासा हुआ है। फुटेज से यह भी साफ हो गया है कि गैंगस्टर टीनू यहीं से फरार हुआ था। जुनीर गेस्ट हाउस की कहानी उसने अफसरों को गुमराह करने के लिए सुनाई थी। एसपी गौरव धूरा का मानना है कि टीनू अपनी प्रेमिका के साथ सरकारी आवास से ही फरार हुआ है। हालांकि उसने जुनीर के गेस्ट हाउस को भी अपनी ऐशगाह बनाया हुआ था। वहां भी उसने टीनू के साथ पार्टियां की थी। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो पता चला प्रीतपाल सिंह टीनू को अपनी ब्रेजा गाड़ी में सरकारी आवास में लाया था। यहाँ उसकी प्रेमिका पहले से मौजूद थी। दोनों को एक कमरे में भेज दिया और खुद दूसरे कमरे में चला गया था। रिमांड पर चल रहे प्रीतपाल सिंह से AIG गुरमीत चौहान ने खुद भी पूछताछ की है। इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है। कुछ और पुलिसकर्मियों की भूमिका भी इसमें संदिग्ध लग रही है। उन्हें रडार पर ले लिया गया है। गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। दूसरी ओर पुलिस इस पड़ताल में भी लगी है कि सरकारी आवास से मिले अवैध हथियारों का कनेक्शन कहीं टीनू से तो नहीं है। प्रीतपाल सिंह के सरकारी आवास के निकट कई अधिकारियों की कोठियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय है। टीनू की मेहमान नवाजी में लगे प्रीतपाल सिंह ने इसकी कोई परवाह नहीं की। VIP जोन में कुख्यात गैंगस्टर को लेकर घूमता रहा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।